वेलकम बैक। सो टुडे आज हम देखने वाले कि जो फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है अपना, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या? फैक्टराइजेशन आपको नाम से ही पता चलता है कि फैक्टराइजेशन मतलब कि कोई एक चीज़ होगी या फिर कोई एक संख्या होगी या फिर कुछ भी होगा, उसके हम फैक्टर करेंगे, मतलब छोटे 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 टुकड़े करेंगे। सपोज आपने पास अभी आम है अपने पास, तो हम क्या करते हैं, आम के छोटे 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 स्लाइसेस बनाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि एक बड़ी चीज़ रहती है, उसको हम क्या करते हैं, काट करके, बड़ी चीज़ रहती है उसको हम अब काट करके ऐसे छोटे 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 उसको टुकड़े करते हैं। मतलब क्या करते हैं कि हम एक छोटा छोटा, या फिर पिज्ज़ा होता है अपना, पिज्ज़ा होता है तो हम उसका क्या करते हैं, स्लाइसेस बनाते छोटे छोटे, और फिर वो एक स्लाइस हो गया, एक स्लाइस हो गया। तो इसी प्रकार में मतलब फैक्टराइजेशन का मीनिंग वही होता है, या फिर फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि हम उसके क्या करते हैं कि फैक्टर्स छोटे 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 पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और फिर उसको मतलब अभी प्रॉब्लम मैथ्स के टर्मिनोलॉजी में हम कैसे बोल सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं और उसको सॉल्व करने में हमको आसानी मिलती है, और एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि प्रॉब्लम हमको एकदम आसान तरीके से समझ आता है। तो टुडे देखेंगे आप हम आज फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट। अभी हमको ये जो फॉर्मूलेज हमको पता है, हमने पढ़े भी है, मतलब फॉर्मूले बोल सकते हैं, या फिर जो क्या बोल सकते हैं उसको, जो ए प्लस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वेयर, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वेयर क्या है, व्हाट इज द ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमको याद रखना है या फिर हमको ये आना ही चाहिए, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो अभी ए प्लस बी होल स्क्वेयर हो गया, अभी ए माइनस बी होल स्क्वेयर, सिर्फ क्या किया कि यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर होता है, बाद में टू इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वेयर होता है। इसी प्रकार ए स्क्वेयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वेयर होता है, बाद में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अब ये ऐसा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट स्क्वेयर नहीं है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये कैसे होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब कैसे होगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ऐसे। अभी ए प्लस बी होल स्क्वेयर मतलब सपोज कि हम एक प्रॉब्लम है, हमको ऐसे दिया है 2x प्लस 3 होल स्क्वेयर, मतलब क्या है, ए है ये बी है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वेयर मतलब क्या होगा, 2x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ये क्या है 2x इंटू बी क्या है 3, और प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर मतलब क्या होगा 3 स्क्वेयर, मतलब इसी प्रकार से दिस हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वेयर। इसी प्रकार में हमको जो मतलब जो बीच में के जो क्या बोलते हैं, बीच में जो 2x प्लस 3 लिखा है हमने, तो अलग अलग हो सकता है, कभी ए प्लस बी होगा, कभी x प्लस वाई होगा, कभी 2x प्लस 3 होगा, 2x माइनस 3, 2x प्लस 5y, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसी प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको ये तीन जो हम क्या बोलते हैं, हम तो बेसिक जो मैथ्स की जो टर्मिनोलॉजीज है, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए माइनस बी होल स्क्वेयर और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमको आना ही चाहिए, तभी हम इसको एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, देखेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमको, अभी फैक्टराइजेशन मतलब क्या है कि छोटे छोटे फैक्टर्स करना है हमको। तो क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स 12x और 36। तो उसके पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, सपोज हमको बोला गया है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, तो हम क्या टर्म्स लेंगे, सपोज हम लेंगे 8 और 16, तो कॉमन फैक्टर्स इनके क्या हो गए 8 और 16 के, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, मतलब 2 जा 4, तो यार इसके हो गए 8 के फैक्टराइजेशन इतने हो गए, 16 के कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 8 या फिर 2 8 जा या फिर 8 2 जा 16, बाद में 2 इंटू 2 इंटू 4 क्या हो गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 बराबर है, बाद में 2 इंटू 2 इंटू बाद में 2 इंटू 2, तो हम इसको जितना कर सकते हैं कि उतना हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि छोटे छोटे फैक्टर इसके कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब कि दोनों के जो चीज़ें या फिर जो संख्याएं सेम है, तो हम उसको बाजू में निकालेंगे, यहाँ पे टू, मतलब क्या हो गया कॉमन फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब क्या हो गया 8, मतलब क्या हो गया कॉमन फैक्टर इसका, 8 और 16 का कॉमन फैक्टर हो गया 8,
तो इस प्रकार से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो और एक क्वेश्चन लेंगे हम, सपोज और क्या ले सकते हैं, 15 और 200, इसके कॉमन फैक्टर हमको निकालने हैं। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, 15 का क्या होता है 5 × 3, 200 का क्या होगा 5 × 3, 5 को और डिवाइड कर सकते हैं क्या हम? नहीं, बिकॉज 5 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑल्सो ऑड नंबर, सो वी कैन नॉट फैक्टर और वी कैन नॉट डिवाइड 5 और 3 मोर, सो दैट्स वाई 15 = 5 × 3 इसके फैक्टर हो गए। तो 200 के क्या हो गए, 2 × 100 हो गए स्टार्ट में, बाद में 2 × 50 होगा, बाद में 2 × 50 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 × 10 लिख सकते हैं, बाद में 2 × 2 × 5 × 5 × 2, बस इसके ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि 2 को और डिवाइड नहीं कर सकते और 5 को भी और डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5, यहाँ पे 5 है, 5 मतलब क्या होगा इनका कॉमन फैक्टर 15 और 200 का, आंसर क्या होगा आएगा अपना, आंसर आएगा 5। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग संख्याएं लेकर, अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं हमको एग्जाम में, उसी प्रकार से हम अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। और एक देखेंगे क्वेश्चन सिंपल सा, फिर आपको और एक अच्छे से ऐड आएगा। सपोज 18 और कह सकते हैं हम 40 लिखेंगे, चलो 40, इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 80 मतलब क्या होता है 2 × 9, बाद में 2 × 3 × 3, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। 40 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 8, 5 × 8 = 40, बाद में 5 × 2 × 4, बाद में 5 × 2 × 2 × 2, देखने का, चेक करने का, अगर इसका पूरे का पूरे इसका टर्म का मल्टीप्लिकेशन 40 आता है या नहीं। 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 × 2 = 40, राइट, मतलब ये हमारे बराबर है। तो कॉमन फैक्टर कौन सा निकलेगा इसका, ओनली वन कॉमन फैक्टर, 2, क्या इसका कॉमन फैक्टर ओनली 2। सो इसी प्रकार से हम डिफरेंट प्रोग्राम प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट ये डाउट? अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे या फिर आपका जो डाउट हो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अभी एक अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम इनके यहाँ में इन्होंने क्या दिया है 12x और दूसरा दिया है 36। सो 12x को क्या लिख सकते हैं हम, 4 × 3 × x, एक जो है वैसे लिखना पड़ेगा, एक्स को कुछ नहीं हो सकता। 4 का क्या हो सकता है, और 2 × 2 × 3 × x, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12x, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अभी 36 को कैसे लिख सकते हैं हम, 12 × 3 = 12 × 3, बराबर, बाद में इसको 4 × 3 × 3, और इसको 2 × 3 × 3, सॉरी 2 × इसका क्या होगा, 2 × 2 होगा। 4 को क्या ले सकते हैं, 2 × 2, बाद में 3 × 3, 3 × 3 हमारा वैसे है कि वैसा रहेगा, 2 × 2। तो कॉमन फैक्टर इसका क्या हो सकता है, दोनों में कौन से चीज़ या फिर कौन से संख्याएं या फिर नंबर्स कॉमन है, तो देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, तो 1 2 हो गया, 2 यहाँ पे है और 1 2 है, राइट है, और 1 2 लिख सकते हैं हम। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, x यहाँ पे, x नहीं है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3 ख़त्म हो गया, मतलब इसका क्या आंसर क्या आएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, मतलब क्या हो गया हमारा आंसर, कॉमन फैक्टर्स फॉर द गिवन टर्म्स 12x एंड 36 इज नथिंग बट 12, सो हमारा आंसर आ गया 12। गॉट इट, समझ गए? देखिए अभी नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, वही किया होगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमको, देखिए उसमें क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स 2y एंड 22x × y, क्या दिया है 2y बाद में 22x × y, 2y को क्या लिख सकते हैं हम 2 × y, राइट, 22x को क्या लिख सकते हैं, 22 को क्या लिख सकते हैं 2 × 11 × x × y, 11 का और डिवाइड नहीं हो सकता, 2 को भी और डिवाइड नहीं होता है, सो मतलब क्या रहेगा इसका फैक्टराइजेशन 2 × 11 × x × y, और 2y का क्या रहेगा 2 × y, तो कॉमन फैक्टर्स क्या रहेंगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, सो हमारा आंसर क्या आएगा, 2y इज द आंसर फॉर
2y एंड 22xy का फैक्टराइजेशन, या फिर कॉमन फैक्टर क्या है इनका, 2y रहेगा। सिंपल है, जो हमको संख्या दी या फिर जो नंबर दिए उसको हम डिवाइड डिवाइड छोटे 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 फैक्टराइजेशन टुकड़े 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 करते जाएंगे, बाद में एक लास्ट मोमेंट तक इतने, मतलब इतने छोटे एंड तक करेंगे कि उसके नीचे उसको ना डिवाइड कर सकते ना उसका और फैक्टराइजेशन निकल सकता है, और फिर बाद में दोनों के टर्म में कॉमन निकालेंगे। अभी आपको आगे चलकर थोड़ा हार्ड में क्या हो सकता है कि थोड़े नंबर ज़्यादा देंगे, बाद में तीन सब अब यहाँ पे कह दिया है 2y 22xy और एक देंगे 24xy और चौथा देंगे, तीन में से कॉमन निकालो, चार में से कॉमन निकालो, लेकिन पूरे इसकी मेथोडोलॉजी टर्मिनोलॉजी सेम ही रहेगी। समझ गए? ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स 14PQ और 28P² एंड Q² प्रॉब्लम अच्छे से लिखना, समझ कर लिखना। ओके, सो 14P × Q राइट, तो इसको कह सकते हैं 14 को 27 जा 14 × P × Q राइट, इसके नीचे ना किसको डिवाइड होता है ना कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा। अभी 28P² Q² इसको क्या कर सकते हैं, 28 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 × 14 राइट, × P² को एक पी दूसरा पी, बाद में क्यू को एक क्यू दूसरा क्यू, बाद में 2 × 14 को 2 × 7 × P × P × Q × Q समझ गए? 14 का फॉर और डिवीजन किया हमने, 2 से 7 जा हो गए, पी पी दो बार पी आ गए, दो बार क्यू आ गए, ये हमारा पूरा फैक्टराइजेशन इसके प्रॉब्लम के हो गए हमारे। तो अभी क्या करना, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमको, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या करना है हमको कि कॉमन दोनों में जो अब तक हम जो 4-5 एग्जांपल सॉल्व किए उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, लिखिए 2 कॉमन दोनों में, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 7 है, लिखिए 7 कॉमन दोनों में, पी यहाँ पे पी है, क्यू यहाँ पे क्यू है, सो सॉरी × P × Q क्या हो गया, 27 जा 14PQ, सो क्या आंसर आ गया हमारा, 14PQ इज द कॉमन फैक्टर फॉर द गिवन इक्वेशन और फॉर द गिवन टर्म्स। कौन से टर्म्स है हमारे, 14PQ और 28P² Q² के कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 14PQ ये आएगा हमारा कॉमन फैक्टर। सो अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको वही बोला था कि वो क्या कर सकते हैं, या फिर और क्या मतलब थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम कैसे करेंगे कि 3 टर्म्स दे गया अभी यहाँ पे, तो तीनों में कॉमन निकालने का हमको, सिंपल है, 4 दिए, चारों में कॉमन निकालने का, सिर्फ क्या करने का कि जो हम फैक्टराइजेशन करते हैं वो फैक्टराइजेशन अच्छे से बराबर से ध्यान लगाकर मन लगाकर प्रॉपरली करेंगे तो हमको ये इक्वेशन या फिर ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने में आसानी जाएगी। सो तो लिखिए क्या है, 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × x बराबर 3x² क्या कर सकते हैं इसको, 3 × x दो बार है, यहाँ पे एक x रहेगा, यहाँ पे एक x रहेगा, ये x है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 4 को क्या ले सकते हैं हम, 2 × 2 तो अभी तीनों में कॉमन क्या रहेगा, 2 कॉमन है तीनों में, नहीं है, x कॉमन है तीनों में, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा इससे इस प्रॉब्लम में, देखिए तो हम यहाँ पे क्या किया हमने, 2x 3x 2 कॉमन तीनों में नहीं है, x कॉमन तीनों में नहीं है, 2 नहीं है मतलब, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × x × 1 लिख सकते हैं, इसको 3 × x × x × 1 लिख सकते हैं, इसको 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इसको 4 × 2 = 4 4 × 1 = 1 इसको कुछ तकलीफ हुई या फिर इसको कुछ मतलब बदल हुआ इसमें, नहीं हुआ है, सो हम उसको 1 लिख सकते हैं, तो तीनों में लेकिन एक टर्म कॉमन है हमारी, क्या है 1, सो इसका फैक्टराइजेशन मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा, क्या आएगा इसका फैक्टर 1, कॉमन फैक्टर क्या आएगा 1, यस, क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 कॉमन हो सकता है तीनों में, इसलिए हमने उसका आंसर 1 निकाला। अगर तीनों में सपोज 2 कॉमन रहते तो यहाँ पे 2 लिखते, 3 कॉमन रहते तो 3 लिखते, लेकिन 1 हर जगह कॉमन है इसलिए 1 लिखा है हमने। सो ऐसे भी आंसर आ सकता है, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन होने वाली या फिर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी उन्होंने क्या किया और थोड़ा क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन, पहले क्या सिर्फ 2 संख्याएं 2 मतलब रहते थे, अभी 3 रहे, 3 में उसमें क्या गया,
पहले सिर्फ क्या रहता था 24x, और दूसरा फैक्टर रहता था नॉर्मल सपोज 20x या फिर कुछ। तो अब इन्होंने क्या किया, तीन दिए और बाद में क्या किया ए बी सी ओ भी ऐड किया इसमें, तो इसलिए क्या हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया। लेकिन कुछ ऐसे मतलब अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो कुछ ऐसे टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, वी विल टेक 6abc, बाद में 24ab स्क्वेयर, बाद में 12a² b। क्वेश्चन को बराबर से लिखना है और फिर सॉल्व करना है। 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 3 6, बाद में a इंटू बी इंटू 6 होगा इसका, इसके नीचे इसके और फैक्टर नहीं हो सकते। सो यहाँ पे हमको स्टॉप करना है। 24 को 8 3 24 राइट इंटू ए इंटू बी, दो बार है सो बी इंटू बी लिखना है। 24 को क्या लिख सकते, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हम, 2 × 2 × 2 2 2 2, मतलब 2 का क्यूब क्या होगा 8 हो गया इनडायरेक्टली, तो उसको ऐसे लिख सकते। बाद में 3 वैसे ही रहेगा अपना, ए वैसे ही रहेगा अपना, बी वैसे ही रहेगा अपना, बाद में बी वैसे ही रहेगा अपना। 12 को क्या लिख सकते हम, 4 3 बाद में ए इंटू बी, सो 4 3 4 को क्या लिख सकते हम, 2 × 2 × 3 × a × a × b। इसके नीचे हम और फैक्टर नहीं कर सकते, 2 लास्ट है 2 को और डिवाइड नहीं कर सकते, 3 इवन सॉरी ऑड नंबर है उसको भी डिवाइड नहीं कर सकते, ए दो बार है दो बार लिया, यहाँ पे बी दो बार है दो बार लिया, यहाँ पे ए बी सी एक एक बार है ले लिया, इसके नीचे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ओके तो अभी 2 कॉमन है तीनों में, यस 2 2 2, तो हमारा क्या हो गया, 1 2 आ गया हमारे पास, 1 2 आ गया। 3 कॉमन तीनों में है राइट, 3 है तो इंटू 3 हो गया। बाद में क्या है, ये कॉमन है, एक है यहाँ पे, एक है यहाँ पे, यस ये हो गया। बाद में बी है, बी यस गॉट इट, बी यहाँ पे है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सी है नहीं, सी सिर्फ इसी में है, इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, सो वी कैन नॉट टेक सी एज अ कॉमन फैक्टर राइट। सो व्हाट वी गॉट, 2 × 3 6 इंटू ए इंटू बी, सो वी गॉट द आंसर 6ab इज द आंसर फॉर द दिस 6abc 24ab² एंड 12a² b। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 6ab इनका कॉमन फैक्टर रहेगा। सो इस प्रकार से इन्होंने हमको अलग 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 क्वेश्चन दिए, उस हम पूरे सॉल्व करके हमने आपको दिखाया यहाँ पे राइट। तो अभी थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया, क्या किया उन्होंने, यहाँ पे -4 लगाए, सो हमको माइनस साइन भी ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे माइनस है कहाँ पे नहीं है। तो फिर से चालू करिए, 16x³ मतलब क्या होगा, 4 × 4 × x, 3 बार लिखना है, क्यूब है ना यहाँ पे, 3 बार लिखा। 4 का क्या होगा, 2 2 बाद में और एक 4 है, 2 2 × x × x × x, 4 × 2 × 8 × 2 × 16 × x³ हो गया हमारा राइट। इसके नीचे और डिवाइड कर सकते नहीं कर सकते। नेक्स्ट -4x² -4 क्या लिखना पड़ेगा हमको, माइनस ऐसे लिखना पड़ेगा, -2 × 2 × x × x राइट, -4x², बाद में 32x, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 2 बराबर 16 × 2 × x, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 2 × x, बाद में 4 × 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, बाद में और एक 4 है 2 × 2, बाद में और 2 है राइट और x, 2 2 4 2 8 2 16 2 20 32 x मैच हो गया। मतलब हमारे जो फैक्टर्स हमने जो डिवाइड किया, फैक्टर जो हमने कंसीडर किए, वो हमारे फैक्टर्स राइट है। तो चालू करो फिर से अपना वही, क्या कॉमन निकालना है हमको, निकालिए कॉमन, 2 2 है यहाँ पे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, सो 1 2 हो गया, दूसरा और एक बार 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, -2 नहीं लिया, माइनस साइन नहीं लगाने का यहाँ, क्योंकि माइनस एक ही जगह पे, तो 2 सिर्फ 2 लेने का हमको, 2 2
यहाँ पे 2 है, इंटू 2 हो गया, बाद में और एक 2 है, नहीं यहाँ पे 2 नहीं है तो कुछ हम नहीं कर सकते आगे। यहाँ पे x है, x लिख सकते, एक x है, x है, यहाँ पे भी x है, इंटू x, बाद में x है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, सो शायद इसके आगे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ हमारा आंसर आ गया, 2 2 4 इंटू एक्स, सो वी गॉट द आंसर 4x एज ए कॉमन फैक्टर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ गए, यहाँ पे 2 जगह पे कॉमन है लेकिन 3 जगह हमको क्या करना है कि तीनों जगह पे कॉमन निकालना है, तीनों जगह पे कॉमन होगा तभी हम उसको कॉमन फैक्टर बोलेंगे, नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। अगर ये दोनों ही हमको पूछा हुआ रहता है तो हम ये 2x ले सकते थे, या फिर ये 2 पूछा हुआ रहते तो हम ये 2 और ये 2 ले सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या है कि तीनों में कॉमन निकालना है, तो तीनों में कॉमन हमको और x नहीं मिला है और 2 भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सो हमारा आंसर यही तक रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, समझ गए, समझ रहे हैं आप लोग कि क्या करना है, अपने को कॉमन देखना है जो तीनों में कॉमन रहेगा, मगर अगर तीन आपको हमको नंबर्स दिए तो तीनों में कॉमन निकालना है, 2 दिए दोनों में कॉमन निकाला, और अगर तीनों में कॉमन होगा तो तीनों में ही कॉमन रहे चाहिए वो, अगर तीन दिए हमको तीन सम्स या फिर तीन नंबर दिए और उसमें 2 ही जगह पे कॉमन होगा तो हम उसको नहीं ले सकते, तीनों जगह पे है तभी लेना है, नहीं होगा तो छोड़ देना है उसको, गॉट इट, क्योंकि हमको कॉमन फैक्टर पूछा है, कॉमन तीनों में होना ही चाहिए, अगर तीन नंबर हो गए, 2 हो गए तो दोनों में कॉमन निकालना है, सिंपल बात है। अभी इसमें दिया है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 10 PQ सॉरी क्या दिया है, 10 PQ, 10 को क्या ले सकते हैं हम, 2 5 इंटू पी इंटू क्यू, 2 × 5 इंटू पी इंटू क्यू, इसके इसको और डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यहीं तक रहेगा, मतलब इसका फैक्टर ही इतने हो गए। बाद में 20 Q इंटू आर, 20 को क्या ले सकते हैं हम, 5 4 बाद में क्यू इंटू आर, 5 को ऐसे लिखेंगे, 4 को 2 × 2 इंटू क्यू इंटू आर, राइट, क्यू इंटू आर, बाद में क्या है 30 RP, 30 को क्या ले सकते हैं हम, 6 5 इंटू आर इंटू पी, बाद में 6 को 2 3 बाद में 5 इंटू आर इंटू पी, 6 30 RP, ये हो गया 20 QR, ये हो गया 10 PQ, तीनों के हमने फैक्टर निकाले, फिर से अपना वही रेगुलर मेथड या फिर रेगुलर प्रोसेस क्या बोल सकते हैं हम, आप कुछ भी उसको नाम से बोलिए, क्या है निकालिए, कॉमन 2 कॉमन है, 2 है तीन जगह पे, यस 2 2 2 आ गया अपना 2, 5 है, यस 5 भी है तीनों जगह पे, 5 5 5 इंटू 5, पी कॉमन है, पी यहाँ पे पी नहीं है, पी है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, दोनों जगह पे है लेकिन हमको तीनों में से कॉमन निकालना है, तीनों में से कॉमन कब निकलेगा, तीनों में रहेगा वो, यहाँ पे नहीं है क्यों, सॉरी पी नहीं है तो नहीं ले सकते, क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्यों नहीं है, नहीं ले सकते, आर यहाँ दोनों पे नहीं ले सकते, मतलब क्या हो गया हमारा कॉमन फैक्टर 10 क्या आंसर आ गया हमारा 10, क्योंकि तीनों जगह पे ही कॉमन, कन्फ्यूज नहीं होने है हमको, यहाँ पे तीनों जगह पे कॉमन रहेगा तो हम लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। सो इसका आंसर क्या आ गया अपना 10 आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा इन्होंने और थोड़ा ट्रिकी बनाया, और थोड़े वर्ड्स मतलब बोलने से और नंबर ऐड किए और वेरिएबल्स ऐड किए, उसका पावर क्यूब स्क्वेयर रूट थोड़ा थोड़ा ऐड करते चल रहे हैं लोग। सो क्या है 3x² y³, 3x² एंड वाई क्यूब, 3 को वैसे रहेगा, एक्स स्क्वेयर को क्या ले सकते हैं हम, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स, वाई क्यूब का क्या ले सकेंगे, y × y × y, हो गए फैक्टर हमारे, 3 तो ऑड है नंबर है, इसको उसको और फैक्टर नहीं कर सकते हम, सो एक्स को एक्स 2 बार है तो 2 बार एक्स लेंगे, वाई 3 बार है तो 3 बार वाई लिया, खत्म। 10x³ y² 10x³ y² 10 को क्या ले सकते हैं हम, 2 5 एक्स क्यूब को x × x × x² को y × y, राइट, y × y। अभी 6x² y² z, 6 को 2 3 x² को x × x × y² को y × y
इंटू जेड, क्योंकि जेड भी यहाँ पे, लेकिन दोनों पे जेड नहीं, इसका मतलब जेड हमारे आंसर में 100% नहीं आने वाला। सो स्टार्ट करेंगे, थ्री है, थ्री यहाँ पे नहीं है, छोड़ दो इसको, नहीं ले सकते। एक्स है, ओके, एक्स लिखा, बाद में और एक एक्स है, यस, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, एक्स इंटू वाई, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इंटू वाई, 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 वाई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, जेड यहाँ पे है लेकिन बाकी जगहों पे नहीं है। सो बस इतना ही हो गया। तो क्या आ गया हमारा आंसर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि कॉमन क्या है, देखो आपके सामने कॉमन, जहाँ जो जो कॉमन चीज़ें हैं या फिर जो जो नंबर्स कॉमन है हम वही ले सकते हैं। तीनों में होगा तो भी लेना है, दो में होगा तो नहीं लेना है, तीनों में है तो एक से तीनों में, और एक से मतलब दो बार एक से तीनों में, वाई भी दो बार तीनों में कॉमन निकला, तो उसका आंसर क्या हुआ है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। सो क्या आंसर हमारा आ गया, हमारा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सिंपल। तो क्या आंसर आ गया हमारा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। तो हम क्या कर सकते, क्या करेंगे आज के लिए यहीं तक, मतलब आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट अपना हमारी जो सीरीज़ है चैप्टर की फैक्टराइजेशन में, तो उसमें हम थोड़ा और लेवल जो है आपने आपकी जो बुक में दिया है वो थोड़ा लेवल और थोड़ा हार्ड होते चलता है, सिंपल है लेकिन ज़्यादा घबराने की बात नहीं, लेकिन थोड़ा जो हार्ड लेवल होता है उसमें हम थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करते करते चले जाएंगे, तो फिर आपको ऐड आ जाएगा। किसी को कुछ डाउट होगा, किसी को कुछ समझने में तकलीफ़ होगी, कुछ और कुछ डाउट होगा किसी अन्य चीज़ों में, अन्य सब्जेक्ट्स में या फिर मैथ्स में ही होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम उसका आंसर अवश्य देंगे। ठीक, थैंक यू।